लिव इन में रह रही पिंकी सिंह और संतोष सिंह को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद काफी झगड़ा झंझट हुआ और उसके बाद संतोष सिंह ने ये कहा था कि मैं पिंकी को छोड़ दूंगा। वो जो आरोपी है कथित संतोष सिंह, जो BSF में कांस्टेबल है, ट्रेड कांस्टेबल, वो शायद संभवतः वो शादी करने से मना किया इस बात से दुखी होकर के, और पिंकी सिंह ने सुसाइड करके आत्महत्या किया है। मानसिक प्रताड़ित हो चुकी थी उस शख्स से जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, यानी कि संतोष सिंह। सुपेला में वृंदानगर में हुए एक कांड, एक बहुचर्चित कांड, बहुचर्चित इसलिए क्योंकि लगातार इसके अपडेट पे अपडेट आ रहे थे और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। वृंदानगर में एक महिला जिसकी उम्र 32 साल थी, नाम पिंकी सिंह, और इसके बारे में लगातार जो जो अपडेट्स आए, चाहे वो इसके पति से इसके रिलेशन के हों या फिर वो पति था या नहीं था इस बारे में हों, तमाम इसके अटकलें जो थी वो हमने क्लियर की अपडेट के ज़रिए। एक और बड़ा अपडेट आ गया है। बड़ा अपडेट इसमें ये है कि लिव इन में रह रही पिंकी सिंह के साथ जो संतोष BSF के कुक थे, उनके ऊपर जुर्म दर्ज हो गया है और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। एक और सवाल लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर उसने अपनी यह लीला समाप्त खुद की, यानी कि उसने अपने आप को खुद मारा या फिर उसे किसी के द्वारा मारा गया था। ये दो चीज़ें सवाल को लेकर के चल रही थी, लेकिन अब इस पे भी मामला क्लियर होता नजर आया है। लेकिन सबसे पहले आपको पुराना सार एक बार फिर से बताता हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं, और आज उसी बारे में अपडेट जिसको लेकर के 20 जून को रात के करीब 11:21 पे खबर आती है सुपेला के वृंदानगर से, जहाँ पर एक बिल्डिंग नुमा जगह है, एक बिल्डिंग ही है, और वहाँ से पिंकी सिंह वहाँ पर थी, और जिस तरह उनका शरीर था और जिस तरह लोगों ने उन्हें देखा तो लोग काफ़ी डर गए थे, रात का समय था। उसके बाद सुपेला पुलिस ने इसको अपने अंतर्गत लिया, जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल के दौरान धीरे धीरे झूठ और सच की जो परतें हैं वो खुलती नजर आई। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था पिंकी सिंह संतोष सिंह की पत्नी है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी और संतोष लिव इन में रह रहे थे। लिव इन में रहने से पहले वो लोग प्रियदर्शनी परिसर में रहते थे, जहाँ पर संतोष सिंह की ऑलरेडी जो पत्नी है, जिसने उन्हें तलाक नहीं दिया है, वो कहीं और रहती हैं। वो उस जगह पर आ गई थी प्रियदर्शनी परिसर में, उसने जो है, उस पूर्व पत्नी ने जो है ये लिव इन में रह रही पिंकी सिंह और संतोष सिंह को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ और उसके बाद संतोष सिंह ने ये कहा था कि मैं पिंकी को छोड़ दूंगा। इसके बाद फिर जो पत्नी थी संतोष की, वो वापस चली गई। ये बताया गया था संतोष सिंह के 5 बच्चे हैं, और जो जिस महिला से वो पूरे बच्चे हैं वो उनकी पत्नी है, और तब तक भी पत्नी है क्योंकि अब तक उसे तलाक नहीं दिया गया। ये तलाक नहीं देने के बावजूद भी भिलाई में BSF में काम करने वाला वो कुक संतोष सिंह लिव इन में एक महिला के साथ रह रहा था, पिंकी, और जिसके बारे में जब उसके भाई आए हुए थे, जब उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, उस दौरान हमने उनके भाइयों से बात की तो उन्होंने बताया था कि असम से आए हुए हैं और असम में ही इनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद पिंकी असम से बाहर आती हैं और भिलाई में बस जाती हैं संतोष के साथ। अब इसमें जब हमने बड़े अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शहर के CSP, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर की कि पिंकी जो है संतोष सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन संतोष सिंह जिसकी ऑलरेडी पत्नी थी, जिससे उसने तलाक नहीं दिया था, जिससे 5 बच्चे थे, वो शायद शादी नहीं करना चाहता था, और इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच झगड़ा होते रहता था। संतोष सिंह की जो पत्नी है वो प्रियदर्शनी परिसर आती है, उसके बाद झगड़ा होता है, उसके बाद फिर से किराए का मकान बदलता है। पिंकी सिंह के साथ संतोष सिंह फिर से नज़र आते हैं सुपेला में, और ठीक 4 दिन बाद यह घटना होती है, और इस घटना के बाद लगातार लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर क्या कारण था, उसे किसी ने मारा है, क्योंकि जो तौर तरीका था, जिस तरह से वहाँ पर शरीर था, लोगों को यही लग रहा था कि उसे मारा गया। लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि जो रिपोर्ट आए हैं पोस्टमार्टम के, उसमें ये क्लियर हुआ कि उसने अपनी यह लीला समाप्त की थी। उसका कारण ये था कि मानसिक प्रताड़ित हो चुकी थी उस शख्स से जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, यानी कि संतोष सिंह, और साथ ही साथ उसके ऊपर ऐसे फिजिकली भी अत्याचार हो रहे थे, मारपीट जैसी स्थितियां भी बन रही थी। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जो है पुलिस जाँच पड़ताल में लगी हुई थी, और जाँच का निष्कर्ष यही निकला कि अपडेट में कि पिंकी सिंह ने अपनी यही लीला स्वयं समाप्त की थी, उसने अपने आप को खुद मारा था, कारण था संतोष सिंह जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी। ये पूरी अपडेट है,
और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हम रिपोर्ट्स बना रहे थे। बीच में ये मामला बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, क्योंकि फिर से जब इसे खंगाला गया, फिर से हमने जांच पड़ताल की, तो ये कुछ मामले जो हैं सामने आए हैं। और ये भी बताया गया है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी जो लिव इन में रह रहा था उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जो जिम्मेदार हैं CSP साहब, जो अधिकारी हैं, इस पूरे मसले पर उनका क्या कुछ कहना है वो देखिए। देखिए 20/6/2024 को पिंकी सिंह नाम की एक महिला रात के 11 बजे सुसाइड कर ली थी कथित रूप से। उस प्रकरण की जांच मर्ग जांच के दौरान ये पाया गया कि उस प्रार्थिया को संतोष सिंह करके एक कुक है जो BSF में कार्यरत है सेक्टर 6 में, वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी बच्चे भी हैं। उसके बावजूद वो पिंकी सिंह को लाकर अपने साथ रखा था और पिंकी सिंह उसे शादी करना चाह रही थी। वो जो आरोपी है कथित संतोष सिंह जो BSF में कांस्टेबल है ट्रेड कांस्टेबल, वो शायद संभवतः वो शादी करने से मना किया, इस बात से दुखी होकर के और पिंकी सिंह ने सुसाइड करके आत्महत्या किया है। प्रकरण में जांच के दौरान ये पाया गया कि संतोष सिंह द्वारा पिंकी सिंह को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। प्रताड़ना संबंधी जो भी साक्ष्य थे उसके पाए जाने पर उसके विरुद्ध संतोष सिंह के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई है FIR करके और उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल सामने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो अभी तक प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही पाया गया, उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट है उसमें। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि और भी जगहों पर सब्सक्राइब हो सके। जिन जिन जगहों पर अगर भिलाई के और भी दूर दराज क्षेत्र में भी आपको लगता है कि खबरें बनाई जा सकती है या हम वहाँ पर पहुँचे खबरें बनाने, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब में ही डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।